तो आज का वाला वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। नहीं मतलब हैक करना नहीं बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीजें तुम में से बहुत बंदों को नहीं पता है और वो चीजें तुम्हें गेम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जीतने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अब अगर तुमने मेरी लेआउट को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे तुम्हें दिखता है दो बटन है फायर के। जब तुम इसका राज जान लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा हैरानी होगी सुन के। अब जब भी तुम बंदे को मारने की कोशिश करते हो वन टैप एडीएस वाले बटन से, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जब आधा स्कोप ओपन होता है तब गोलियां नहीं चलती है, पूरा स्कोप ओपन होने के बाद ही गोली चलती है, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। बट मैं जो ट्रिक यूज करता हूँ उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं दोनों बटन को साथ में दबाता हूँ और फिर कुछ ऐसा होता है। मतलब कि जब मैं ऊपर वाले बटन को दबाता हूँ तो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर मैं एडीएस वाले बटन को दबाता हूँ जिससे मुझे स्कोप वाले बटन को दबाना ना पड़े। हैंड गेम में भी समझा देता हूँ, जब तुम सिर्फ एडीएस वाले बटन को दबाओगे तो भाई जब तक स्कोप ओपन नहीं होगा तब तक शूट नहीं होगा। वहीं पर अगर तुम कुछ इस तरह करोगे तो भाई शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर भाई एडीएस खोल देना इजी है। जब तुम नॉर्मली मैच करना करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब बहुत ही सही चीज है और ये मैंने ढूंढा, अभी तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे क्या, अब भाई इसका मैच में क्या फायदा है? मान लो तुम भागो तो तुमको एक बंदा दिखता है, तुम उसको एडीएस खोल के मारने जाओगे, भाई बहुत डर लगेगी, वो तुमको इजीली मार देगा। पर जो मैंने अभी तुम बताया गया तुम वो यूज करोगे तो उधर तुम बंदे को बहुत फास्ट मार दोगे। यहाँ पे देखो एडीएस खुलने से पहले बंदे को डैमेज पड़ गया, जिससे कहा था कभी कभी तुम बंदे को 1 HP छोड़ देते हो तुम्हें मार देते हो, वो कभी नहीं होने वाला। एग्जांपल के मैंने एजे वाले वीडियो की क्लिप ली, यहाँ पे देखो भाई एडीएस ओपन होने से पहले उसको डैमेज पड़ गया। मतलब देखो मुझे लगता है कि भाई बंदे इससे जल्दी मरते जब तुम इन दोनों बटन को साथ में दबाते हो। तुम्हारी वजह से तुम इसको यूज करो या मत करो, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। टिप नंबर 2, आई बिलीव आई कैन फ्लाई। पहले मैं तुमको एग्जांपल बता देता हूं। अभी ये कौन सी क्लिप आ गई? तो इस वाले ट्रिक के साथ तुम हवा में उड़ने की कोशिश कर सकते हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नदी के अंदर डुबकी लगाने है, दरिया में डुबकी लगाने से भूल गया यार मैं। तो गाइस जब तुम स्लाइड और जंप के बटन दोनों को साथ में दबाते हो तो एक बिल्कुल ही अलग एनिमेशन आ जाता है। और सच्ची बताओ तो ये बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि तुम्हारे स्क्रीन के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा लेकिन एनिमी के स्क्रीन के अंदर तुम हवा के अंदर स्लाइड मार रहे। तो मेरे हिसाब से मुझे तुम्हें एनिमी का पीवी दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा होगा है ना। मतलब नहीं दिखाओगे तो नहीं चलेगा सालो, भरोसा राम की चीज ही नहीं है तुम्हें। एनिमी के स्क्रीन में तुम कुछ इस तरह दिखोगे, दूर से देखा तो टल्ला दिखा, पास में आया तो बाल निकल आया। देखो मुझे लगता है नॉर्मल जंप से ज्यादा ऊपर जाती है वाली जो जंप होती है वो, ये तो एक फायदा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जब तुम इसका यूज करो तो तुम्हारा जो इमोट सीधा एनिमी के हेड पे खुलता है और वो उसको इजीली लो कर देता है। और मेरे हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं लीगल हैक्स। सीधा बंदे के हेड पे और तुम हवा में स्लाइड मार रहे हो तो वो है कि वो एक जात का। और इसका यूज तुम हर जगह कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हें कहीं पे पीक देनी है तो सीधा हवा में स्लाइड मार के पीक दो, ये तुमको गेम में बहुत ज्यादा काम आएगा। कभी जमीन पे स्लाइड मारो, कभी हवा में स्लाइड मारो, बंदे को मतलब बौखला डालो। यहाँ पे मैंने अपने आपको नहीं मारा, क्योंकि नहीं मारा मतलब नहीं मारा, छोड़ दो। एनिमी के स्क्रीन में कुछ इस तरह दिखेगा। टिप नंबर 3, हाउ टू स्किप एनिमेशन। अब जो इस वाले सीजन की मूवमेंट है उसको हम लोग बना देंगे पहले वाले सीजन की मूवमेंट जैसा। इसके लिए जब भी तुम मूवमेंट हो उसके बाद तुमको अपने स्कोप बटन को बस हल्का सा क्लिक कर देना है, इससे तुम्हारी स्लाइड होकर बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी अगर हम कंपेयर करें अभी के सीजन की नॉर्मल स्लाइड से। तो इसका यूज किया करना, क्योंकि ये पूरा एनिमेशन को स्किप कर देती है। जब तुम इसका यूज करते हो तो जो एनिमी होता है उसके स्किन के अंदर तुम्हारे मूवमेंट जो होते हो पहले वाले सीजन जैसी होती है। मतलब ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ धोखा नहीं होता कि तुम्हारी स्किन में अच्छी दिखती हो, एनिमी के स्किन के अंदर कुछ नहीं होता है। मैं वन टैप एडीएस को ऊपर कर रहा हूँ, अगर हिस्सा वाले बंदे देख रहे हो तो मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर वर्क करेगा या नहीं। यही चीज अगर तुम जंप करते टाइम करोगे तो तुम्हारे जो जंप होगी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। थोड़ी बोला है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं बोला। ऐसा नहीं कि तुम चांद पे पहुंच जाओगे जंप आगे, नहीं, थोड़ी जंप आगे जाएगी तुम्हारी बस। अब जो नॉर्मल ड्रॉप शॉट उसका एनिमेशन तुम्हें कुछ ऐसा दिखता, मतलब बहुत लंबा चौड़ा एनिमेशन है। बट वहीं पे अगर तुम इसका यूज करोगे तो वो एनिमेशन भी स्किप हो जाएगा और तुम्हारा जो ड्रॉप शॉट होगा बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा अगर हम कंपेयर करें पहले वाले से। तो इसका यूज किया करो, पूरा एनिमेशन स्किप हो जाता है ड्रॉप शॉट का। और हाँ, हो सकता है अगर तुम वन टैप एडीएस यूज नहीं करते तो तुम्हारे अंदर काम नहीं करे, और अगर तुम वन टैप एडीएस यूज करते हो फिर तो इजीली हो जाएगा। टिप नंबर पता नहीं कौन सी, अगर तुम डेड साइलेंस लगाना भूल गए या तुमने डेड साइलेंस नहीं लगाया है तो तुम्हारी आवाज बंदों को क्लियरली आएगी, जो कि नॉर्मल सी बात आएगी मतलब हाँ। बट वहीं पर अगर तुम डेड साइलेंस के बिना अपनी आवाज को नहीं देना चाहते हो तो अच्छा बच्चे की तरह प्रोन होके चलो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। मतलब पूरा टाइट टेस्टेड है भाई, तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज नहीं आती बंदे को। तो यहाँ पर बंदे के साफ साफ फुटस्टेप सुन सकते हैं, लेकिन अब जब वो प्रोन होके आएगा तो हमें उसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो खड़ा हो जाता है वैसी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे वो प्रोन होता है वैसी आवाज आनी बंद हो जाती है।
तो यही तो है कैसे तुम लोग बिना डर सांस लगाए अपने कदमों की आवाज को दबा सकते हो। इसका यूज एसएनडी के अंदर किया करना, मतलब बंदा तुम्हें देख भी नहीं पाएगा जब तुम प्रोन होगे और तुम्हारी आवाज भी नहीं जाएगी। गाइस क्या तुमको पता है एके 107 के इस वाली स्किन, मतलब कामो स्किन जो बोल लो, उसको भाई मिल चुका है एनिमेशन। मतलब अगर तुम उनको ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर जो तारे बने वो भाई टिमटिमा रहे। मतलब ये एक जत का एनिमेशन ही होगा क्योंकि ऐसा कोई दूसरी स्किन के अंदर नहीं होता है। पहले तो मेरे को लगा कि जो सनलाइट होती है कि मतलब जो शेडो पड़ती है वो है ये, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गन है मेरे दूसरे मोबाइल के, तो वहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो। अब इस वाले एनिमेशन को बोलते हैं पल्स, नहीं खाने वाली चॉकलेट पल्स नहीं, ये एक एनिमेशन होता है जिसका नाम पल्स होता है। अब ये वाली जो मूवमेंट है बहुत ही खतरनाक वाली मूवमेंट है, इसके अंदर फेक फॉल बैक स्लाइड जम्प भाई सब मिक्स हो जाता है। तुमको सबसे पहले किसी भी डायरेक्शन के अंदर स्लाइड कर देनी है और फिर कहीं पे भी जम्प कर देनी है, और फिर जब तुम बंदे को मारोगे तो बंदा तुमको नहीं मार पाएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ क्योंकि हो सकता है मार दे तुमको कभी। बट इतना तो बोल सकते हैं अगर तुम ऐसी मूवमेंट है बंदे को मारोगे तो सामने वाले बंदे के लिए तुमको होना बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तुम्हारा टीम तुम्हें नूब समझते हैं, एनिमी की टीम तुम्हारे ऊपर हंसती है, तो तुमको यूज करना है जिगल। तुम्हारे एनिमी बौखला जाएंगे, टीममेट चौक जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुमको लगेगा ये वाला पर्क। तुमको सिंपल इस वाले पर्क को ले लेना है और फिर तुमको लेफ्ट एंड राइट मूव करना, मतलब जिगल देना है। जब तुम इस वाली पर्क को लगा लोगे तो तुम्हारी जिगल की स्पीड 10% बढ़ जाएगी। और ये बात हम सबको पता है जब बंदा जिगल देता है तो भाई कैसा फील होता है, मतलब बंदा सामने वालों को मार ही नहीं पाता है। तो इस वाली पर्क को लेके भाई जिगल मारो को तो बहुत बढ़िया चलता है, मतलब इससे तुम बंदो को इजीली मार दो। तो तुम्हारे YouTube का कुछ नहीं हुआ, मैं बस मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। तो कैसे अगर तुमको नहीं पता तो सेंटीगन बहुत ही खतरनाक तरीके वाली बफ हुई है, मतलब अब जो सेंटीगन वो अटैक करते है सीधा हेड पे, मतलब बफ हुई है इसका जो एम है सीधा बंदों का हेड पे जाता है उधर ही मारता है। अब मेरे हिसाब से डैमेज बफ नहीं हुआ है, बस जो इसका एम वो बफ हुआ है, तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि भाई बंदे के सीधे हेड पे मारती है ये। तो अगर तुम इसका यूज नहीं करो तो तुमको इसका यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि बंदों को बड़े आराम से मार देगी। और अपने हाथ से भी दो चार गोलियां चला लेना, पूरा स्पीड डिबेट मत हो जाना वरना मर जाओगे। तो गाइस जिसको नहीं पता जो स्पैरो वो हो चुका है बफ, लेकिन मेरे को चलाते नहीं आता, तो मेरे को यार पहले चलाना सीखना पड़ेगा ना यूट्यूब पे। हाउ टू यूज तीर कमांड, आज हम आपको सिखाएंगे कि तीर कैसे चलाते हैं। तीर चलाना बड़ा सिंपल होता है, बस आप इस ट्रिक को फॉलो करिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक्स और व्यूज से भर दीजिए। भाई तेरे मुंह में घी सक्का है, मैं खुद यही चाहता हूँ यार। ये देखिए बताइए, हमने तीर बनाए Yes. भाई पतंग के डंडे के तेज बना इसने, मैं ही पहले बहुत बनाता था और अभी हम इसको चलाने वाले हैं। और पहले खुद सीख लो। ये तीर हमें ये झाड़ू की लकड़ियों से भी मिल सकता है। हाँ कैसे मम्मी वापिस उसी झाड़ू से हमें मारे, हम इसे खींचना कैसे होता है भी हम ये सीखेंगे। ओ भाई रुक जा, सबको मालूम है इतना तो। हम ऐसे रख के ऐसे 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 तो ऐसे भी खींच सकते है, लेकिन ये फिर चल क्यों नहीं रहा। Why are we still here? Just to suffer. एकदम ऐसे चलाएंगे। भाई तू आराम से सो जा, तू तू मत कोशिश कर भाई। ओके तो मजाक बहुत हुआ, जिनको नहीं पता जो स्पैरो वो हो चुका है बफ, तो अब तुम स्पैरो का यूज करके बंदों को इजीली मार सकते हो। इसको तुम बंदों के मुंह पे मारो, बंदों के टांगों पे मारो, बंदे जरूर मारने वाले। और अगर तुमको स्पैम करने में मजा आता तो तुम स्पैम भी कर सकते हो। अबे बहुत बार कहता हूँ कुछ बंदे भाई कुछ ज्यादा ही तेजी में होते हैं, मतलब इतनी फास्ट मूवमेंट देते हैं कि वो मूवमेंट एक्चुअली मूवमेंट होती ही नहीं है। अब जब भी तुम फास्ट फास्ट मूवमेंट देते हो तुम बहुत बढ़िया लगते हो मुझे पता, लेकिन वो कुछ इफेक्टिव नहीं होती है। एनिमी तुमको इजीली मार देगा, तुम्हारी स्किन का मूवमेंट फास्ट दिखती है लेकिन वो एक्चुअली फास्ट नहीं होती है। तुमको यहाँ पे परफेक्ट मूवमेंट देनी है, फिर वो चाहे धीमी हो या कुछ भी हो लेकिन वो इफेक्टिव होगी। अब यहाँ पे तुम्हें ये वाली मूवमेंट थोड़ी स्लो लगी होगी, लेकिन जो एनिमी की स्किन होगी उसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखेगी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें ये दिखता है कि मूवमेंट फास्ट हुई है धीरे हो रही है, हमें बस ये दिखता है कि मूवमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। जब तुम लोग मूवमेंट को बिल्कुल परफेक्टली करोगे तो एनिमी की स्क्रीन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखेगी, जिससे वो तुम्हें इजीली मार नहीं पाएगा। ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक और बार बता देता हूं। ये वाला जो ग्रीन पक है, इस टाइप पर हर एक शॉट के बाद एक बुलेट को लोड करती है, तो अगर तुमको वो बहुत ज्यादा लगता तो तुम उसको स्किप कर सकते हो। इस पक के जरिए तुमको अपनी गन को स्विच करना है और तुम उसको इजीली मार मतलब क्या मार दोगे उसको स्किप कर दोगे। तो बस ये था आज का वीडियो के लिए, उम्मीद है तुम लोग को वीडियो पसंद होगा। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर जो बंदा काम करता है दुनिया का सबसे बढ़िया बंदा है, और वो बंदा खुद के मुंह से खुद की तारीफ कभी करता भी नहीं है, तो तुम लोगों को सब्सक्राइब कर देना चाहिए क्योंकि मैं कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता हूं, इतना बढ़िया वीडियो बनाने के बाद भी। इसका तो दोस्तों में शेयर कर देना, वो भी कुछ सीखेंगे और तुम लोगों को गेम जिताएंगे, कम से कम तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम में आ जाएंगे वो लोग। तो बस मैं जा रहा हूं झाड़ू का तीर कमान बनाने, बाय।